सोलन के बागवानी एवं वानिक विश्वविद्यालय नौणी में विलो पेड़ पर काफी समय से अनुसंधान चल रहा है। विश्वविद्यालय ने करीबन 250 प्रजातियां विदेशों से मंगवाकर लाहौल में ट्रायल के तौर पर लगवाया था और अब यह विलो पेड़ लाहौल वासियों की लाइफ लाइन बन चुका है, क्योंकि जिस क्षेत्र में अति अधिक बर्फ गिरने के कारण कोई भी वनस्पति नहीं लगती, वहां विलो पेड़ न केवल पशुओं का चारा बनता है बल्कि लोगों को ईंधन भी देता है। सोलन के बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में विलो पेड़ पर काफी समय से अनुसंधान चल रहा है। विलो पेड़ की खासियत बताते हुए डॉक्टर एन बी सिंह ने कहा कि विलो पेड़ खेत में फसल के साथ भी लगाए जा सकते हैं और अगर किसान इसे लगाते हैं तो एक पेड़ 5 वर्षों में 5 से 8 हजार रुपए तक का मुनाफा दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस पेड़ की लकड़ी से शानदार फर्नीचर भी बनाए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी में जो है तकरीबन 20 देशों से 250 क्लोन मंगाए गए, प्रजातियां मंगाई गई विलो की जो है, और टेस्ट किया गया और उसमें 18 या 20 वैरायटी जो है आई, और ये वैरायटी 18-20 वैरायटियों में से प्रजातियों में से जिसके पास मैं खड़ा हूँ J799, ये बहुत ही ये हैबिट वैरायटी है, क्लोन है जो बहुत ही उपजाऊ है और इसके यूजेज जो हैं, प्रयोग जो हैं, क्रिकेट बैट के लिए हैं, प्लाई के लिए है, इसके बाद में सिटाके के लिए है, पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और साथ ही आर्टिफिशियल लिम्स के लिए भी प्रयोग होती है। साथ में ये धान के साथ भी जो है और दूसरे गेहूं के साथ है या और जो और एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं उसके साथ भी ये बहुत ही अच्छे ढंग से ग्रो किया सकता है। डॉक्टर एन बी सिंह ने कहा कि बैट के प्रसिद्ध ब्रांड BDM विलो लकड़ से बने हैं। उन्होंने बैटों को दिखाया और इनको बेहतर बताया। सोलन के बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में विलो पेड़ पर काफी समय से अनुसंधान चल रहा है, लेकिन उसमें से मात्र 20 प्रजातियां हिमाचली वातावरण के अनुकूल पाई गई और इस पर शोध अभी भी जारी है। 35 इंच लंबा होता है जब लकड़ी कटती है, 5 इंच चौड़ा, 3 इंच मोटा। विलो क्लोन के जो है ये प्लाई है और ये गैलेक्सी प्लाई वुड इंडस्ट्रीज यमुनानगर में, इसके हमने सैंपल्स दिए, उन सैंपल्स को उन्होंने बनाया, इसकी केमिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट किया जो है, और ये प्लाई इसमें से कई ऐसे क्लोन हो जो कि पॉपुलर से भी बेहतर। के चैनल के लिए सोलन से चिन्मय कौशल की रिपोर्ट।